राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आप समस्त राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने जिले के सभी बदलाव पर रोक लगने से पहले आज असम के चार जिलों को चार अन्य जिले में मिलाने की जानकारी दी। सूत्रों के अनुसार परिसीमन की कार्यवाही शुरू होने के बाद किसी भी राज्य में जिला सीमा को नहीं बदला जा सकता और यह तिथि असम के लिए 1 जनवरी 2023 की है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर राहुल गांधी की प्रेस वार्ता के संबंध में पूछे गए एक सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि राहुल गांधी को भाजपा या आरएसएस को नहीं भारत के तिरंगे को अपना गुरु मानना चाहिए। असम का डिलिमिटेशन एक्सरसाइज कल से शुरू होगा, यानी निर्वाचनी आयोग ने एक अधिसूचना जारी किया है कि कल से हम कोई एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स का चेंज नहीं कर पाऊंगा टिल द डिलिमिटेशन एक्सरसाइज इज कम्प्लीटेड। इसीलिए हमारा जितना पेंडिंग प्रपोजल्स था या जो हमारा डिस्कशन स्टेज में था लेकिन हम लोग किया नहीं था, तो आल स्कूल मिला के 13-14 जो ऐसे मर्जर डी मर्जर एमलगेमेशन ये छोटा मोटा जितना प्रपोजल था, ये प्रपोजल आज हम लोग कैबिनेट में क्लियर किया। चार बड़ा एक बड़ा निर्णय था, हमने चार नया जिला बनाया था, जैसे विश्वनाथ जिला, होजाई जिला, तमुलपुर जिला और बजाली जिला, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव और हमारा असम को असम का पूरा संरक्षण और हमारा असम का कल्याण का बात चिंता करते हुए ये सारा नया डिस्ट्रिक्ट हम ओरिजिनल डिस्ट्रिक्ट से मार्ज किया और ये एक ट्रांजिशन फेज होगा, जितना जल्दी होगा हम लोग ये जिला को फिर रिवाइव करेगा आफ्टर फॉलोइंग सर्टेन प्रोसेस। राष्ट्र प्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में, अभी समय है एक छोटा सा ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, ब्रेक के बाद हम आपसे बात करेंगे अन्य मुद्दों पर, अब कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय श्रेया फर्निशिंग यूनिट ऑफ निर्मल्स, सातों दिन आपकी सेवा में, हमारे यहाँ कम से कम दाम पर कपड़े उपलब्ध हैं। Empowered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects in past, we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. 27वें वर्ष में आपकी लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश, आप भेजते रहे अपने क्षेत्र की खबरें। दिखाए जब को जिसे दिशा भ्रम हो जाए, वह पथिक क्या मंजिल पाए जो लक्ष्यहीन हो जाए, कैसे लगे किनारे नैया जिसका नाविक बहक गया हो, कैसे राष्ट्र बढ़ेगा आगे जिसका अगुआ भटक गया हो। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप समस्त राष्ट्रवासियों का स्वागत है। तो कल से बैंड है, सो जो भी हम लोग सोच रहा था लास्ट वन ईयर सिक्स मंथ हम लोग कर ही रहा था, दो तीन महीना आगे भी कुछ किया, एक महीना आगे भी कुछ किया, लेकिन जब अभी इंडिफिनिट पीरियड के लिए हम कुछ कर ही नहीं पाएगा, तो इसीलिए जो भी मन में था आज कर लिया। गुरु राहुल जी को मैं बोलना चाहता हूँ कि गुरु
आप आरएसएस और बीजेपी को मत मानिए, इसलिए हम भी नहीं मानते हूँ आरएसएस बीजेपी को कि गुरु है, ये तो हमारा पार्टी है, गुरु हमारा ध्वज है, भारत माँ का जो ध्वज है, हम वहाँ गुरु दक्षिणा भी करता हूँ। तो आइए नागपुर में आपका स्वागत है, आप आके गुरु जब मान ही लिया है तो इस टाइम गुरु दक्षिणा भी कीजिए ध्वज का सामने। देखिए विपक्ष का कैंडिडेट राहुल गांधी भी हो सकता है और जितना बड़ी नेता है सारे विपक्ष का कैंडिडेट हो सकता है, उसमें तो बीजेपी का कंट्रोल नहीं है, लेकिन बीजेपी का और देश का कैंडिडेट नरेंद्र मोदी है। मैं पहले भी आपको गुजरात चुनाव का समय में भी बोला हूँ कि कौन सिल्वर मेडल लेगा कौन ब्रॉन्ज मेडल लेगा उसका ऊपर मेरा हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। हम इतना जानता हूँ कि हमारा उम्मीदवार बोलिए, हमारा आशा का किरण बोलिए, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। देश का आशीर्वाद लेके प्रधानमंत्री मोदी जी ही 2026 में प्रधानमंत्री बनेगा, उम्मीदवार कोई भी बने आपत्ति नहीं है, प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, प्रधानमंत्री मोदी बनेगा, उम्मीदवार आप भी बने। हम आपसे आज यही विदा लेते हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम।